हेलो लेडीज एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दिशाज रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लग रहा होगा कि आज हम लोग क्या बना रहे हैं? तो थोड़ा सा आपको अंदाज़ा आ रहा होगा। तो आज हम लोग एक छाछ वगैरह नहीं, तो आज हम लोग एक जो अभी समझ आ रहा है उसके लिए एक खास रेसिपी देख रहे हैं जो हर एक शादी में हम लोगों को पीने को मिलती है। महाराष्ट्र में तो ये बहुत ही फेमस रेसिपी है। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मट्ठा। तो आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र में जो जो शादियाँ होते हैं, जो समर्स में होते हैं, वहाँ पे तो आपको बिल्कुल 101% खाना खाने के बाद मट्ठा पीने को मिलेगा। तो यही एक स्पेशल रेसिपी, यानी कि मट्ठा बिल्कुल शादियों में जैसे होता है बिल्कुल वो कैसे बनाना है वो आज हम देखने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन अप विद द रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मट्ठा कैसे बनाना है उसकी रेसिपी हम लोग देखते हैं। तो मट्ठा बनाने के लिए हम लोगों को क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हम लोग देखते हैं। तो ये मैंने पानी लिया है, बहुत ठंडा अच्छा पानी, मटके का पानी लिया है 1.5 ग्लास। उसके बाद ये पावशेर दही है, हंकड़ हमको लेना है, जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पानी नहीं रहना चाहिए इस दही में, बिल्कुल जो थिक दही रहता है वो हम लोगों को यहाँ पर यूज़ करना है। एक हरी मिर्च लिए मैंने, बहुत छोटी हरी मिर्च हम लोगों को यूज़ करनी है, नहीं तो हमारा जो मट्ठा है वो बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा। और 1 इंच अदरक था तो वो मैंने कीस के लिया है, छोटा छोटा कद्दूकस करके लेना है। जीरा पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून, और काला नमक लिया है 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास ये काला नमक अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल नमक आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इससे जो टेस्ट आएगा हमारे मट्ठे का वो बहुत ही अलग सा आएगा। तो आप जनरली यही यूज़ कीजिए मट्ठा बनाने के लिए। तो चलिए प्रोसेस देखते हैं उसकी। तो सबसे पहले हम लोग ये जो मिर्च हम लोगों ने ली है ये और अदरक मिक्सी के जार में डालेंगे। उसके बाद ये काला नमक और जीरा पाउडर, अगर आपके पास जीरा पाउडर नहीं है तो डायरेक्टली आपने जीरा यूज़ किया तो भी कोई बात नहीं। और बस इसे अच्छे से हम लोगों को मिक्सी में पीस लेना है। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे मट्ठे का मसाला है वो बनकर तैयार हो गया है। मैंने अच्छे से बिल्कुल बारीक इसको पीस लेना है मिक्सी के जार में। तो अदरक वगैरह बिल्कुल अच्छे से, इसलिए हम लोगों को कद्दूकस करके डालना है ताकि अच्छे से हमारे जो मसाले है उसमें मिल जाए। तो अभी हम लोगों को मट्ठा कैसे बनाना है, ये मसाला वगैरह कैसे ऐड करना है वो अभी मैं दिखाती हूँ। ये मसाला अगर आप बना के एक एयर टाइट कंटेनर में अभी रखोगे तो 15 दिन तक आप इसे अच्छे से फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। बस जब भी आपको मट्ठा बनाना है बस आपको दही और पानी मिलाना है, ये मसाला उसमें ऐड करना है और मट्ठा आपका रेडी हो जाएगा। तो ये मसाला बनकर रेडी हो गया है हमारा। तो सबसे पहले हम लोग ये जो हम लोगों ने दही लिया था वो इसमें डाल देते हैं। ये मैंने बड़ा वाला मिक्सिंग बाउल लिया है, तो ऐसे ही थोड़ा सा बड़ा यूज़ करें ताकि आपको बनाने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। तो ये डालने के बाद इसमें डालेंगे ये ठंडा पानी, अगर आपको तुरंत चाहिए तो बर्फ़ वगैरह आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये डालने के बाद सिर्फ हम लोग पहले जो हम लोगों ने पानी यहाँ पे डाला है ये और दही को अच्छे से मिला लेंगे। तो रवि मैंने यहाँ पे यूज़ की है, जो हम लोग दाल वगैरह बनाते हैं उसके लिए जो यूज़ होता है वही है ये। ये अक्सर वुडन में भी आता है तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, मैंने ये नॉर्मल वाला यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम लोग जैसे छाछ बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको मिला के अच्छे से दही और पानी को इकट्ठा कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने जो ये मसाला बनाया था वो अभी मसाला हम लोग डालेंगे इसमें। और फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और बस 2 से 3 मिनट में, 2 से 3 मिनट हम लोगों को इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमारा जो एकदम बिल्कुल ठंडा ठंडा मट्ठा बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अगर आपको तुरंत इसको पीना है तो आप इसमें आइस क्यूब्स ऐड कर सकते हो, नहीं तो जो हम लोगों ने मटके का पानी यूज़ किया है वो कर सकते हो। फ्रिज का पानी आप अच्छे से ठंडा है तो वो भी तुरंत पी सकते हो, नहीं तो बस उसको मटके में डालना है अच्छे से एक बाउल में डाल के फ्रिज में आप उसे रख सकते हो बस। और 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से हम लोगों को मिला कर लेना है और हमारा मट्ठा रेडी हो जाएगा।
और बस हमारा जो ठंडा ठंडा मट्ठा है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब बस उसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है हमें, बस डेकोरेशन के लिए, वो बिल्कुल अच्छा लगे बस उसी के लिए डालना है। और फिर से इसे अच्छे से मिला लेंगे एक स्पून से वगैरह। अगर आपके पास इस तरह का जो मैंने रवी वगैरह बनाया वो नहीं है तो बीटर से आप इसको मिक्स कर सकते हो, मिक्सर में आप इसे बना सकते हो, लेकिन इसका जो ओरिजिनल टेस्ट है वो इसी से आएगा। तो जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए बिल्कुल आप ऐसे ही मट्ठे को बनाएं, और बस हमारा ठंडा ठंडा मट्ठा बनकर तैयार। तो चलिए सर्विंग के लिए लेते हैं, तो चलिए सर्व कर लेते हैं हमारा ठंडा ठंडा मट्ठा। तो है ना ये बिल्कुल इजी रेसिपी, और ये बनाने में भी बहुत ही आसान है, क्योंकि अक्सर कैसे है ना हम लोग ये जो मट्ठा है ये मोस्टली हम लोगों को शादियों में बहुत ज़्यादा पीने को मिलता है, लेकिन इस साल और पिछले साल हम लोगों को मट्ठा बिल्कुल पीने को नहीं मिला, क्योंकि पिछले साल तो लॉकडाउन ही था और इस साल तो बहुत ज़्यादा शादियाँ भी नहीं हुए। तो मैंने सोचा कि आपको ये बिल्कुल इजी तरीके से और बिल्कुल जो प्रॉपर शादी में जैसे मट्ठा बनाया जाता है बिल्कुल वो कैसे बनाना है वो सिखा दें। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि अभी समर्स बहुत ही जल्दी चालू होने वाले हैं, चालू हो ही गया है, तो आप ये बिल्कुल ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको आज की रेसिपी कैसे लगी। तो बहुत सारा शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ऐसे ही एक न्यू समर सीजन के रेसिपी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।